हाथरस जिले के कस्बा पुर्दुल नगर के निवासी गंदगी और जल भराव की समस्या की वजह से नार के जीवन जीने को मजबूर है। लगातार लिखित शिकायत करने के बाद भी स्थानीय लोगों को गंदगी और जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिली है। आपको बता दें पूरा मामला हाथरस जिले की नगर पंचायत पुर्दुल नगर क्षेत्र ले मोहल्लागढ़ का है। मोहल्लागढ़ में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी नगर पंचायत के द्वारा एक नाले का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस नाले में गिरने से आए दिन लोग घायल हो जाते हैं। इसकी शिकायत लगातार नगर पंचायत पुर्दुल नगर के आला अधिकारियों और पालिका अध्यक्ष से की जा रही है, बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? चेतन शर्मा। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये कि आज से 10 साल पहले यहाँ एक नाला बनवाया गया था जी। जो कि यहाँ सड़क की आवश्यकता थी, नाले की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये जबरदस्ती नाला बनाया गया जिसका के ढलान उल्टा है। पानी आना चाहिए साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन पानी जाता है उल्टा नॉर्थ से साउथ की ओर। पानी इसका इसी में भरा हुआ रहता है। आप अगर नाले पर ले जाकर के देखते तो आप पीछे देख सकते हैं नाले की क्या स्थिति है। इसमें आए दिन किसी न किसी बच्चे के गिरने की समस्या बनी रहती अच्छा, है। किसी को सूचना वगैरह दी आज तक? सूचना टाउन एरिया वगैरह में हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टाउन एरिया में केवल एक ही बात कह दी जाती है कि नाले को बोर्ड मीटिंग के द्वारा, बोर्ड बैठक के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, पूर्ण मानक के अनुसार बनाया गया है। सड़क का बजट आने पर इसको बनवा दिया जाएगा। लगभग 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। कौन सी जगह पे है, क्या स्थिति है? ये मोहल्लागढ़ काली मंदिर के पास वार्ड नंबर 2।